बाद में सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उनके सामने फसल बीमा योजना का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी सरकार की फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने की शिकायत ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों ने खुद ग्रीवेंस कमेटी के सामने रखी। शिकायत मिलने के बाद मंत्री मनीष ग्रोवर ने एडीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाकर जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस मौके पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 12 शिकायतों को रखा गया, जिनमें से 7 शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 5 शिकायतें अगली कमेटी के लिए पेंडिंग रखी गई हैं। नहीं, मैं इसको सफल मानूंगा। कहीं ना कहीं इसकी जो अनियमितता किसी ने अधिकारी ने बची, उसकी जांच के लिए मैंने कमेटी बना दी है, क्योंकि मैं भी पूरे प्रदेश में घूमता हूं, ऐसा मुझे कहीं किसी भी फसल बीमा के ऊपर शिकायत नहीं मिली है। यहाँ शिकायत आई है तो उसे मैंने एडीसी की अध्यक्षता में जाँच कराई है। अगर कोई भी अधिकारी दोष शिकायत थी मेरा 2016 का खराबी की फसल थी धान की, उसकी मैंने वहाँ शिकायत करी। मैंने कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से अपना बीमा कराया, उसकी नकद पैसे देकर रसीद कटवाई, और मैंने जब 2016 में ख़राब हो गई फसल तो मैंने उसकी शिकायत करी। शिकायत में जब एक आदमी विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लोग वहां पर गए, उन्होंने जाकर वहां पर जब उसका सर्वे किया तो उसमें उन्होंने 90 से 95% फसल को ख़राब पाया और उसकी रिपोर्ट उन्होंने आगे दे दी, लेकिन आज तक उसका मुझे